हनुमान का विशाल रूप। वानर श्रेष्ठ हनुमान के मुख से यह अद्भुत वचन सुनकर सीता जी ने विस्मय पूर्वक कहा, वानरयुगपति हनुमान, तुम्हारा शरीर तो छोटा है, तुम इतनी दूरी वाले मार्ग पर मुझे कैसे ले जा सकोगे? तुम्हारे इस दुस्साहस को मैं वानर उचित चपलता ही समझती हूँ। सीता का अपने प्रति अविश्वास हनुमान को अपना तिरस्कार सा लगा। फिर उन्होंने सोचा कि मेरी शक्ति और सामर्थ्य से अपरिचित होने के कारण ही ये ऐसा कह रही हैं, अतः इन्हें यह दिखा देना ही उचित होगा कि मैं अपनी इच्छा अनुरूप रूप धारण कर सकता हूँ। ऐसा सोचकर वे बुद्धिमान कपिव उस वृक्ष से नीचे कूद पड़े और सीता जी को विश्वास दिलाने के लिए बढ़ने लगे। क्षण मात्र में उनका शरीर मेरु पर्वत के समान ऊंचा हो गया। वे प्रज्वलित अग्नि के समान तेजस्वी प्रतीत होने लगे। तत्पश्चात पर्वत के समान विशालकाय, तांबे के समान लाल मुख तथा वज्र के समान दाढ़ और नख वाले भयानक महाबली वानरवीर हनुमान विदेहनंदिनी से बोले, देवी, मुझ में पर्वत, वन, अट्टालिका, चार दीवारी और नगर द्वार सहित इस लंकापुरी को रावण के साथ ही उठा ले जाने की शक्ति है। अतः ये विदेहनंदिनी, आपकी आशंका व्यर्थ है। देवी, आप मेरे साथ चलकर लक्ष्मण सहित श्री रघुनाथ जी का शोक दूर कीजिए। हनुमान के आश्चर्यजनक रूप को विस्मय से देखती हुई सीता जी बोली, हे पवनसुत, तुम्हारी शक्ति और सामर्थ्य में अब मुझे किसी प्रकार की शंका नहीं रही है। तुम्हारी गति वायु के समान और तेज अग्नि के समान है, किंतु मैं तुम्हारे प्रस्ताव को स्वीकार करने में असमर्थ हूँ। मैं अपनी इच्छा से अपने पति के अतिरिक्त किसी अन्य पुरुष के शरीर का स्पर्श नहीं कर सकती। मेरे जीवन में मेरे शरीर का स्पर्श केवल एक पर पुरुष ने किया है और वह दुष्ट रावण है, जिसने मेरा हरण करते समय मुझे बलात् अपनी गोद में उठा लिया था। उसकी वेदना से मेरा शरीर आज तक जल रहा है। इसका प्रायश्चित तभी होगा जब राघव उस दुष्ट का वध करेंगे। इसी में मेरा प्रतिशोध और उनकी प्रतिष्ठा है। जानकी के मुख से ऐसे युक्तियुक्त वचन सुनकर हनुमान का हृदय गदगद हो गया। वे प्रसन्न होकर बोले, हे देवी, महान सती साध्वियों को शोभा देने वाले ऐसे शब्द आप जैसी परम पतिव्रता विदुषी ही कह सकती हैं। आपकी दशा का वर्णन मैं श्री रामचंद्र जी से विस्तार पूर्वक करूंगा और उन्हें शीघ्र ही लंकापुरी पर आक्रमण करने के लिए प्रेरित करूंगा। अब आप मुझे कोई ऐसी निशानी दे दें जिसे मैं श्री रामचंद्र जी को देकर आपके जीवित होने का विश्वास दिला सकूं और उनके अधीर हृदय को धैर्य बधा सकूं। हनुमान के कहने पर सीता जी ने अपना चूड़ामणि खोलकर उन्हें देते हुए कहा, यह चूड़ामणि तुम उन्हें दे देना। इसे देखते ही उन्हें मेरे साथ साथ मेरी माताजी और अयोध्यापति महाराज दशरथ का भी स्मरण हो आएगा। वे इसे भली भांति पहचानते हैं। उन्हें मेरा कुशल समाचार देकर लक्ष्मण और वानरराज सुग्रीव को भी मेरी ओर से शुभकामनाएं व्यक्त करना। यहाँ मेरी जो दशा है और मेरे प्रति रावण तथा उसकी क्रूर दासियों का जो व्यवहार है, वह सब तुम अपनी आंखों से देख चुके हो। तुम समस्त विवरण रघुनाथ जी से कह देना। लक्ष्मण से कहना, मैंने तुम्हारे ऊपर अविश्वास करके जो तुम्हें अपने ज्येष्ठ भ्राता के पीछे कटुचिन कहकर भेजा था, उसका मुझे बहुत पश्चाताप है और आज मैं उसी मूर्खता का परिणाम भुगत रही हूँ। पवनसुत, और अधिक मैं क्या कहूँ, तुम स्वयं बुद्धिमान और चतुर हो। जैसा उचित प्रतीत हो वैसा कहना और करना। जानकी के ऐसा कहने पर दोनों हाथ जोड़कर हनुमान उनसे विदा लेकर चल दिए।